उल्टा 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 है उल्टा है उल्टा 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 है उल्टा है। अक्सर लोग रास्ते में रोककर हमें पूछते हैं कि आप उल्टा पुल्टा के लिए आइडियाज कहाँ से लाते हो, तो बड़ी शर्म आती है उन्हें बताते हुए। बस जी इधर उधर से चोरी किए होते हैं, कहीं से कोई चुटकुला सुना, तोड़ मरोड़ कर टीवी पे सुना दिया। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि इसमें शर्म की क्या बात है। आजकल के जमाने में सफल लेखक है ही भाई जो इधर उधर से बल्कि हर भाषा का लेख चोरी कर सके। इसी तरह सबसे बढ़िया संपादक वही है, एडिटर वही है जो कई एडिटोरियल को मिलाकर एक एडिटोरियल बना दे। यस सर। ऐसा करना भाई, वो जरा स्टेनो को भेजना। ठीक है सर। और सुनो। यस सर। उसे कहना कागज पेंसिल लेके आए, एडिटोरियल लिखवाना है। लेकिन सर अगर एडिटोरियल लिखवाना है तो कागज पेंसिल की क्या जरूरत है। हाँ ये भी ठीक है, तो ऐसा करो उसे बोलो वैसे ही आ जाए। ठीक है सर। यस सर। भाई ऐसा है, आज का टॉपिक है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। ये 7 अलग अलग अखबार हैं और इन सब में ड्रिंकिंग वाटर पर एडिटोरियल है। ठीक है सर। मैंने इन सब अखबारों में 3-3, 4-4 लाइनें अंडरलाइन कर दी हैं। आप ऐसा करें, आप इन सबको इकट्ठा करके टाइप करके ले। सर कौन सी लाइनें पहले टाइप करनी है और बाद में कौन सी? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। लाइन आप ऐसा कीजिए, पहले ये 4 लाइनें ले लीजिए और उसके बाद इस अखबार की 5 लाइनें ले लीजिए, फिर जो 3-4 लाइनें इसमें लिखी हैं, नहीं या फिर ऐसा कीजिए ये 3-3 लाइनें सबकी कर लाइए टाइप एक ही बात। सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल बन जाएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, कल मैं करप्शन पर एक ऐसा एडिटोरियल लिखूंगा कि सारा देश हिल जाएगा। सर वो कैसे? कल मैं 20 अखबारों के एडिटोरियल मिला के एक एडिटोरियल लिखूंगा। बहुत से लोग टीवी वालों को अपने स्केट, नाटक, कहानियां भेजते रहते हैं, लेकिन अकलमंद प्रोड्यूसर वही है जो हर कहानी को अच्छी तरह से पढ़े, पढ़कर वापस कर दे ये कहकर कि इसमें तो दम ही नहीं है भाई। एक मिनट भाई, मैं बस ये लास्ट नंबर नोट कर लूं, शाम को टेलीकास्ट होना है ये। जी आप बताइए। मैडम ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं 6 महीने पहले आपके पास ये स्क्रिप्ट लेकर आया था तो आपने कहा था कहानी में दम नहीं है, ये ड्रामा टीवी पर चल नहीं सकता, और पिछले सोमवार आपने वही ड्रामा टीवी पर दिखा दिया। कौन सा ड्रामा भाई, कौन सी स्क्रिप्ट? वही मैडम, काला आदमी। काला आदमी? लेकिन सोमवार को तो हमारे यहाँ से मैला आदमी नाटक दिखाया गया और उसकी कहानी मेरी अपने लिखी हुई थी, उसकी डायरेक्शन भी मैंने ही दी थी। लेकिन मैडम मैं आप पर मुकदमा करूंगा, वो कहानी मेरी लिखी हुई थी, आपने सिर्फ नाम बदलकर अपने नाम से चला दी। आप मुकदमा कर ही नहीं सकते साहब, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो कहानी आपकी लिखी हुई थी ही नहीं। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि वो कहानी मैंने न्यूयॉर्क के एक मैगजीन में पढ़ी थी। अच्छा तो आप भी वही मैगजीन पढ़ते हैं? इसी तरह अगर आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आपको हर बार नया म्यूजिक, नया प्लॉट, नई कहानी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। 2-3 फिल्मों को मिलाकर आराम से एक फिल्म बनाई जा सकती है, और फिल्म लाइन की यह खासियत है कि कोई दावा नहीं कर सकता कि यह कहानी मेरी है, क्योंकि आमतौर पर सारी कहानियां एक जैसी होती हैं। हाँ अगर आप किसी नई कहानी पे काम करना चाहते हैं तो फिर थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो लीजिए हाजरीन, अब जो अवार्ड दिया जा रहा है वो है इस साल का कला कलंक फिल्म अवार्ड, यानी कि इस साल के बेहतरीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का अवार्ड, और उसे पाने वाले खुश नसीब हैं मशहूर निर्माता निर्देशक अब्दुल हफीज खान। अब्दुल साहब कांग्रेचुलेशंस, कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है आपने, बिल्कुल नया आइडिया, नए डायलॉग्स, आप तो सर छा गए। बस यूं समझिए कि मेहनत काम आ गई, वैसे 6 महीने तो मुझे फ्रेंच सीखने में लगे हैं। फ्रेंच? लेकिन फिल्म के सारे डायलॉग्स तो हिंदी में है ना सर? लेकिन जिस फिल्म को देखकर मैंने ये फिल्म बनाई वो तो फ्रेंच में थी।
मेरा शक ठीक निकला, आपके कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई हड्डी टूट गई है? घबराने की कोई बात नहीं, मैं पट्टी बांधूंगा, इसे 15-20 दिन तक खोलिएगा नहीं, अपने आप जुड़ जाएगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कोई भार वाल उठाया था क्या? भार तो मैं रोज उठाता हूं, मैं वेटलिफ्टिंग का चैंपियन हूं, मैंने कई इनाम जीते हैं। तो फिर ये कैसे हुआ? वो क्या है जी कि मैंने गलती से अपने बच्चे का स्कूल बैग उठा लिया था। धन्य है हमारे देश के नन्हे मुन्ने बच्चे जो भारी भारी बस्ते अपने कंधों पर उठाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इन्हीं कंधों पर उन्होंने अपने देश का भार उठाना। अगर ये कंधे मजबूत नहीं होंगे तो वो देश का भार कैसे उठाएंगे? बल्कि शारीरिक भार के साथ साथ उन्हें मानसिक भार उठाने की भी प्रैक्टिस बराबर करवानी चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वो बच्चों को इतना होमवर्क दें कि बच्चे तो क्या, बच्चों के माँ बाप भी उसे पूरा ना कर पाए। जी हम अपने बच्चे का होमवर्क करवाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बुकिंग कितने वक्त की? बुकिंग तो हमने नहीं करवाई। बुकिंग नहीं करवाई आपने? जी साहब, फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो छुट्टियों की होमवर्क की बुकिंग 2-2 महीने पहले हो जाती है। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? आप ऐसा कीजिए, साउथ दिल्ली में पता कीजिए, वहां भी हमारी एक ब्रांच है, हो सकता है वहां आपको एक चांस मिल जाए। क्या आपकी होम सर्विस नहीं है? होम सर्विस भी है जी। उसके क्या चार्जेस है? मैडम उसके चार्जेस 200 रुपीज पर सब्जेक्ट। चार्जेस बड़े हाई है। वेल मैडम आप देखिए, होमवर्क तो आजकल कितना मिलता है बच्चों को, आप इन्हें देख रही? मैं सोच रही थी ये कौन है। ये 1 घंटा किसी बच्चे का मैथमेटिक्स का होमवर्क करवा के आए। अच्छा। और अब 4 घंटे तक इनका सर दबाना पड़ेगा। है? बल्कि स्कूल वालों को चाहिए कि वो सिलेबस और टाइम टेबल को इस ढंग से बनाए कि बच्चों को सारी की किताबें रोज स्कूल लानी पड़े। अगर गलती से एक भी किताब वो घर भूल आए तो बरस पड़िए। हिंदी की किताब तुम फिर नहीं लेकर आई, तुम्हें कितनी बार कहा है कि पढ़ाई में सीरियस हो जाओ, लेकिन तुम्हारे कान पे जू तक नहीं सरकती, अब खड़े रहो क्लास के बाहर। सॉरी मैडम। सॉरी कहने से तुम पास नहीं हो जाओगी। मैडम मैं पास होने की पूरी कोशिश करूंगी। जो बच्चा क्लास में पूरी किताबें ही नहीं लेकर आ सकता वो पास खाक होगा। मैडम लेकिन इस बैग में और किताबें आती ही नहीं। इतना छोटा तुम्हारा बैग है, कहाँ से आएंगी किताबें? हैं? ये और छोटा बैग। भारी बस्तों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपका लाडला डॉक्टर या इंजीनियर ना भी बन पाए, कम से कम कुली जरूर बन सके। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो युवा एक ऐसी चीज है जिसमें आप पैसे के साथ साथ वक्त भी बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि एक पंथ दो काज, जीतने की उम्मीद में लाखों रुपए हारा जा सकता है। हारने वाले युवा में अपने बीवियां तक हार गए, साइकिल स्कूटर घड़ी तो चीज ही क्या है। एक तीन सौ रह क्या गया है, घड़ी साइकिल यहाँ तक की कमीज भी हार चुका हूँ। भाई साहब अभी तो पेंट मांगी है। क्या मतलब? मेरा मतलब पेंट भी लगा दीजिए 50 रुपए में, जीत गए तो 150, और हो सकता है आपकी साइकिल घड़ी कमीज सब वापिस आ जाए। और अगर हार गया तो? हार गए तो ये तौलिया दे देंगे, लपेट के घर चले जाना। फर्क सिर्फ इतना है कि फुटपाथ पर बैठे हुए जुआरी को लोग घृणा की नजर से देखते हैं और क्लबों में जुआ फैशन माना जाता है। आधुनिक औरत वही है जो अपने बाल बच्चों की बजाय रम्मी पपलू फ्लैश को ज्यादा अहमियत दे। मैंने बोला ना मैं नहीं आ सकती इतनी जल्दी, अभी तो हमने खेलना शुरू किया है, 2 बार पत्ते भी नहीं बांटे। लेकिन मुन्ना रो रहा है, मैंने चुप कराने की कोशिश की, चुप ही नहीं करता, अभी अभी आया उसे बाहर लेकर गई है। आया को बोलो उसका दूध गर्म कर दे, आप उसे कुछ खिलौने वगैरह निकाल देना। मगर तुम कब आ रही हो, मुझे और भी कई जरूरी काम है, मेरी सारी छुट्टी खराब हो रही है। मेरा भी तो दिन खराब हो रहा है, एक तो पत्ते नहीं आ रहे, हारती जा रही हूँ और आप बार बार टेलीफोन किए जा रहे हैं। मीना प्लीज, तुम आ नहीं सकती क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग, इट लुक्स सो बैड, क्या सोचेंगी मेरी सहेलियाँ?
क्या सोचेंगी? यही कि कितनी बैकवर्ड औरत है ये, 3000 हार गई तो उठकर चली गई। इसी तरह हॉस्टल में विद्यार्थियों को पाइथागोरस थ्योरम समझ आए ना आए, न्यूटन लॉ उनकी खोपड़ी में पड़े न पड़े, लेकिन उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि ताश में 3 इक्के बड़े होते हैं या 3 बादशाह। यार परसों पेपर है, मैं नहीं खेलूंगा। यार अभी कल का सारा दिन पड़ा है, अभी से पढ़ने लगेगा तो परसों तक भूल जाएगा सब। चल घड़ी देख के सिर्फ 2 घंटे के लिए खेलेंगे। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा। 1 घंटे के बाद 1 मिनट भी नहीं, बेशक घड़ियां मिला लो। यार हमने कौन सा रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है 1 घंटे के बाद उठ जाएंगे, लेकिन बूट 5 रुपए होगा। 5 रुपए? यार 5 रुपए तो होना ही चाहिए, वैसे भी हमने सिर्फ 1 घंटा खेलना है, मुझे तो 1 घंटे में मजा ही नहीं आता। आज 250 रुपए का मनी रहा है, अभी मैसूर कैंटीन वाले के पैसे देने। 1 घंटा हो गया यार, बस करें। ठीक है, मर्जी है। मैं तो 200 रुपए हार गया, 50 रह गए सिर्फ, 100 रुपए तो अभी कैंटीन वाले को देना है। चल जीत कर बराबर कर देना, कर ले। कल कहाँ टाइम मिलेगा यार, 1 घंटा और ना खेल ले। भाई 1 घंटे में क्या मजा आएगा, कम से कम 2 घंटे तो होने चाहिए। नहीं यार मैं तो 3 घंटे से कम नहीं खेल सकता, मुझे मजा ही नहीं आता। चल यार जितनी देर मर्जी खेल लेना, पत्ते तो बांट। ठीक है, अब टाइम का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन चौकीदार को तो बोल दे। वो क्या? बस इम्तहान से 1/2 घंटा पहले याद करा दे। जिस लड़के को शुरू से ही लॉटरी का चस्का हो, शर्त लगाने का शौक हो, बड़ा होकर एक अच्छा जुआरी बन सकता। इसी तरह एक लड़के को शर्त लगाने की बहुत आदत थी। एक दिन क्लास में बैठा अपने मास्टर जी की दाढ़ी को घूर रहा था। मास्टर जी ने कहा, क्यों बे क्या बात है? लड़के ने कहा, सर आपकी दाढ़ी नकली है। मास्टर ने कहा, नहीं। लड़के ने कहा, सर हो ना हो आपकी दाढ़ी है नकली। मास्टर जी ने कहा, भी मैं कह रहा हूँ असली है। लड़के ने कहा, ये शर्त हो जाए 100 रुपए की। मास्टर जी ने कहा, ठीक है। लड़के ने दाढ़ी पकड़ कर देखी, सर दाढ़ी असली थी, शर्त हार गया। शाम को लड़के के पिताजी मास्टर जी से बाई चांस मिले और पूछने लगे, मेरे बेटे ने आपसे कोई शर्त तो नहीं लगाई? वो बोले, हाँ लगाई थी, उसने 100 रुपए की शर्त लगाई थी और हार गया, और मुझे उम्मीद है कि उसे ऐसा सबक मिला है कि आगे से कभी शर्त नहीं लगाएगा। पिताजी बोले, हो उसने मेरे से भी शर्त लगाई थी 200 रुपए की और वो जीत गया। बोले, वो क्यों? जी वो कह रहा था कि सारी क्लास के सामने मास्टर जी की दाढ़ी पकड़ सकता है। दोस्तों जो मजा नकल में है वो अकल में कहां? माना कि नकल के सहारे पास होने वाले विद्यार्थी के ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन ज्ञान ध्यान से हमें क्या लेना? हमारा मकसद तो सिर्फ पास होने तक का है। एक बार पास हो गए तो डिग्री मिल गई, डिग्री मिल गई नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई तो कुर्सी पर बैठ गए, और एक बार कुर्सी पर बैठ गए फिर कौन पूछता है कि नकल की थी या नहीं। वैसे भी लोग सलाम तो कुर्सी को ही करते हैं, चाहे उस पर गधा बैठे या घोड़ा। लेकिन दोस्तों जब कोई विद्यार्थी इम्तिहानों में नकल करता हुआ पकड़ा जाए तो मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी ठेस पहुंचती है मेरे दिल को। एक तरफ तो इंसान चांद पर पहुंच गया, दूसरी ओर नकल के वही घिसे पिटे पुराने तरीके। मेरे ख्याल से तो जगह जगह नकल की सिखलाई के केंद्र खोले जाने चाहिए, बल्कि स्कूलों में एक खास सब्जेक्ट होना चाहिए नकल, ताकि विद्यार्थियों को नकल के आधुनिक तरीकों से परिचित करवाया जा सके। अच्छा बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था कि इम्तिहान के लिए पर्चियां कैसे बनाई जाएं और उनका प्रयोग कैसे किया जाए। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि आसपास से नकल करने के लिए आंखों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि नकल करते हुए आंख हिले लेकिन गर्दन ना हिले। सबसे कुशल सबसे होनहार विद्यार्थी वही है जो बिना गर्दन हिलाए अपनी आंख 180 डिग्री तक घुमा ले। मेरी आंखों की तरफ देखिए, अबे ओ उल्लू ध्यान से देख ले इधर, फिर नकल करता पकड़ा गया तो कहेगा मास्टर जी ने अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं, हाँ समझे? अच्छा अब एक सवाल लिखो। एक विद्यार्थी के पास 3 पर्चियां हैं, उसे पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, बताओ वो किस हिसाब से नकल मारे कि पास भी हो जाए और पकड़ा भी ना जाए, जबकि सुपरवाइजर की ऐनक का नंबर 4 दिया गया है। आप चाहे आस्तिक हैं या नास्तिक, लेकिन इम्तिहान के दिनों में भगवान को याद करना कभी मत भूलिए, बल्कि अपना पूरा मन लगाकर प्रार्थना करिए। हे भगवान, आज मुझे ऐसी जगह पे सीट दिलवाना जहां से मुझे नकल मारने में कोई भी परेशानी ना हो, जहां से
जहां से मैं तो सुपरवाइजर को देख सकूं, लेकिन सुपरवाइजर ना मुझे देख सके। हे भगवान, अपने इस भगत के सिर पे हाथ रखना ताकि मेरी कोई भी किताब या पर्ची पकड़ी ना जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपकी सीटी किसी निकम्मी जगह पे है तो नकल आप खाक करेंगे। एक विद्यार्थी ने जब अपना रिजल्ट कार्ड अपने पिताजी को दिखाया तो वो बरस पड़े। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने कम नंबर लिए हैं तूने, क्या हो गया था तुम्हारे दिमाग को? तो वो बोला, डैडी इसमें मेरा क्या कसूर है, जो लड़का मेरे आगे बैठा था उसे कुछ आता ही नहीं था। चाहे कोई इंटरव्यू या इम्तिहान कितना भी आसान हो, चाहे उसे पास करने के लिए सिर्फ 2 दिन पढ़ने की जरूरत हो, लेकिन आपकी शान पढ़ने में नहीं बल्कि किसी ऐसे वीआईपी से टेलीफोन करवाने में है जिसकी बात सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन टाल ना सके। मान ले कल आपके बेटे की इंटरव्यू है, तो आपका फर्ज है कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोना कोना छान मारें। मुझे यकीन है कि आपको कोई ना कोई ऐसा कॉमन लिंक जरूर मिलेगा जो आपको भी जानता हो, सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को भी। और ऐसा कौन सा कॉमन लिंक हो सकता है जो हमें भी जानता हो और मिगलानी को भी? डैडी मैंने पता लगाया है। अच्छा, जो आदमी मिस्टर मिगलानी के घर दूध देता है ना, वही अपने वर्मा अंकल के घर भी दूध देता है। सुन लो, कर लो बात, इस बेवकूफ को सारी उम्र सिफारिश चुननी नहीं आ सकती। तो भला इसमें इसका क्या कसूर है? अभी बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है, आ गया। हेलो, पता चला? वेरी गुड। हाँ यार, आइडिया तो बुरा नहीं है। अच्छा अच्छा, रहते कहाँ हैं? हरिद्वार। दैट्स गुड। ठीक है, मैं आज रात को ही निकलता हूँ। वापिस आके तुझे मिलता हूँ ना यार। थैंक यू वेरी मच। अरे इतनी जबरदस्त सिफारिश मिली है कि मिगलानी तो क्या उसका बाप भी उसके पांव चूमता है। अच्छा, yes. कौन है ये आदमी? देखो बाबा, वक्त बहुत कम है, तुम ऐसा करो मेरा और रमेश का सामान पैक कर दो, हमें आज रात की गाड़ी पकड़नी है। कहाँ की? अरे बाबा, दिल्ली की, वहाँ से हरिद्वार जाना है। लेकिन वहाँ है कौन? हाँ, एक साधु जी है, उनसे टेलीफोन करवाना है। क्या ये साधु सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन है? अरे वो तो चेयरमैन का भी बाप है बाप। क्या मतलब? यस, वो साधु मिगलानी का धार्मिक गुरु है। जैसे आजकल एक एक पोस्ट के लिए हजार हजार कैंडिडेट होते हैं और हर कैंडिडेट की 100-100 सिफारिशें होती हैं, मेरे ख्याल से सिफारिशों के नाप तोल के लिए भी एक स्पेशल कंप्यूटर होना चाहिए। सर, सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि इसे आप डायरेक्ट टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि जो सिफारिशें टेलीफोन पर आती हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें फीड होती चली जाएंगी। इससे सिलेक्शन बोर्ड का काम काफी आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि सर मैनुअली तो आजकल आप इतनी सिफारिशें इवेल्युएट कर ही नहीं सकते, जस्ट नीड अ कंप्यूटर। इसमें कोई हेराफेरी का चांस तो नहीं? हेराफेरी? सर मैं समझा नहीं। मतलब ये कि ये कैंडिडेट के नंबर, एबिलिटी और क्वालिफिकेशन तो नहीं काउंट कर लेगा? कैसी बात कर रहे हैं सर, ये कंप्यूटर तो सिफारिश देखता है, जस्ट सिफारिश। बल्कि मेरे ख्याल से और देवी देवताओं की तरह सिफारिश का भी कोई ना कोई देवता होना चाहिए, और मुझे यकीन है आज के जमाने में अगर कोई ऐसा सिफारिश देवता निकला है, लोग सब देवी देवताओं को छोड़कर उसके पीछे हो लेंगे, सबसे ज्यादा उसी की पूजा होगी। सिफारिश 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 देवता, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुए बालक, मांगो क्या वरदान मांगते हो? सिफारिश देवता, अगले हफ्ते मेरी लेक्चरर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, अगर आप वाइस चांसलर साहब को फोन कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुमने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया वत्स। क्यों सिफारिश देवता, आपकी यहाँ एसटीडी काम नहीं करती? नहीं, वो बात नहीं है, फिर भी ये कार्य असंभव है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसी पोस्ट के लिए वीसी साहब की अपनी लड़की ने भी अप्लाई किया है। कहा गया? बहुत से लोग सिर्फ इसलिए चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि सेल लगी हुई है जी। कीमतों पर चाहे 50% छूट हो या 5, चीज चाहे काम की हो या ना, बुद्धिमान ग्राहक वही माना जाता है जो ऐसा मौका हाथ से जाने ना दे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। अरे आपको कितनी देर हुई दफ्तर से आए? बस अभी आगे बैठे हैं दफ्तर से। शीला ने मुझे सुबह बताया कि रजौरी गार्डन में भारी सेल लगी है, तो मैंने सोचा मैं भी साथ हुआ।
भाई लेकिन अभी परसों ही तो वो क्या कहते हैं तुम मोतीबाग से शॉपिंग करके आई थी। ओफो, वहाँ तो सिर्फ 20% ऑफ था, यहाँ तो कई चीजों पर 30, 40, 50% तक छूट थी। ये तो शीला की मेहरबानी है जो मुझे बता दिया। अच्छा हाँ, ये देखिए मैं आपके लिए जूते लेकर आई हूँ। जूते? हाँ, सिर्फ 280 रुपए में, असली कीमत 400 रुपए। भाई पर ये तो 9 नंबर का जूता है और तुम्हें मालूम है मैं 8 नंबर का जूता पहनता हूँ। आपको नंबरों की पड़ी है, डिस्काउंट नहीं दिखते, पूरे 30% है। मैंने तो आज हर चीज पर 100-200 रुपए बचाए हैं, क्यों शीला? और क्या भाई साहब, इन्होंने आज आपके 2500-3000 रुपए तो बचा ही लिए होंगे। नीना अपनी साड़ियाँ तो दिखाओ ना भाई साहब को। नहीं, साड़ियाँ मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं इन्हें इनके काम की चीजें दिखा दूँ। ये देखिए मैं आपके लिए 10 टाइयाँ लेकर आई हूँ, सिर्फ 300 रुपए में, वैसे 500 की थी। लेकिन मैं टाइयाँ पहनता कहाँ हूँ? नहीं पहनते तो पहन लिया करना, डिस्काउंट नहीं देखते, पूरे 40% है। और ये क्या है? ये चूहे पकड़ने वाला पिंजरा, सिर्फ 25 रुपए का, इस पर तो पूरे 50% डिस्काउंट। लेकिन घर में चूहे हैं कहाँ? नहीं है तो रख लेंगे। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा कहा। शीला जी, आप उनको एक मेहरबानी और कीजिए। आप कहिए तो। अगर कहीं चूहों की सेल लगे ना तो हमें जरूर बता दीजिए। दुकानदारों को चाहिए कि ग्राहकों को अपने जाल में फंसाने के लिए 12 महीने सेल लगा के रखें। कभी गर्मियों की सेल तो कभी सर्दियों की, कभी क्रिसमस की सेल तो कभी दिवाली की। डैडी, 20% ऑफ का बोर्ड लगाने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। पर बगल वाली दुकान पे तो बहुत रश है। लाजी, उन्होंने 30% ऑफ का फट्टा लगाया है जी, मजाक नहीं है। अच्छा, अबे टिक्कू। जी लाजी। तू जाकर पेंटर से बोल के बाहर 40% डिस्काउंट लिख दे। ये ठीक रहेगा जी। और बेटा बिट्टू। हाँ जी। तू हर थान पर 40% बढ़ाकर दाम लिख दे। वो क्यों डैडी? ताकि डिस्काउंट के बाद भी दाम वही का वही रहे और ग्राहक 40% डिस्काउंट से खुश हो जाए। डैडी, फिर तो हम बाहर 100% ऑफ का बोर्ड लगा दे। शाबाश, मैं भी कहूँ कि हर साल तेरी हिसाब में कंपार्टमेंट क्यों आती है। कहते हैं कि सेल ग्राहकों के लिए सस्ती चीजें खरीदने का एक मौका होता, लेकिन मेरे हिसाब से ग्राहकों के लिए मौका हो ना हो, लेकिन दुकानदारों के लिए उचित मौका होता है ग्राहकों का उल्लू बनाने का। और मजे की बात यह है कि लोग उल्लू बनने के लिए खुद ब खुद भागे चले आते हैं। माँ जी की हालत वाकई सीरियस है, बीपी भी कम है और हार्ट भी सिंक कर रहा है। डॉक्टर साहब, अब किसी भी तरह इन्हें बचा लीजिए बस। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। जी लेकिन मैडम, प्रॉब्लम ये है कि ये बोल ही कुछ नहीं रही, बिल्कुल चुप है। माजी, माजी भूख लगी है। माजी, माजी ठंड तो नहीं लग रही? माजी चाय लाओ गरम गरम। भाई साहब, कोई फायदा नहीं, अब तो सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना की जा सकती है। एक मिनट डॉक्टर साहब। माजी शॉल, ये तो अचंभा हो गया। बहन जी, आपने माताजी के कान में कहा क्या था? कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि माजी मॉडल टाउन में बहुत बड़ी सेल लगी है। भाई, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका कामकाज नहीं चल रहा, चीजें नहीं बिक रही, ग्रैंड क्लियरेंस सेल का ऐलान कर दें, लोग डिस्काउंट के लालच में भागे चले आएंगे और आप मौका देकर उनकी जेबें क्लियर कर दें, जेबें साफ कर दें और क्लियरेंस सेल को सफल बनाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तड़पती हुई आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वे दूसरों के कामकाज में 2-4 गलतियां ना निकाल लें। आपकी बीवी चाहे रोज 36 तरह के पकवान बनाए, लेकिन शौहर होने के नाते आपका फर्ज है कि हर पकवान में 36 गलतियां निकालें। कितनी घटिया सब्जी बनाई है, सारा मूड खराब कर दिया। क्या कमी है सब्जी में? देखने में ठीक तो है। सब्जी देखने के लिए नहीं, खाने के लिए होती है। जरा चक्कर तो देखो, नमक कितना कम है। तो नमक डाल लो, इसमें बिगड़ने की क्या बात है। मिर्ची भी कम है, बिल्कुल फीकी है। तो मिर्ची भी डाल लो, पास ही तो पड़ी है। नमक भी मैं डालूं, मिर्ची भी मैं डालूं,
इससे तो अच्छा है खाना मैं खुद ही बना लिया करूंगा। तो बना लिया करो। हाँ हाँ बना लिया करूंगा, शादी से पहले भी मैं खाना खुद ही बनाया करता था। तो फिर शादी क्यों करवाई? क्योंकि अपने बनाए हुए खाने से मेरा जरा पेट खराब रहता। खाने की मेज हो या दफ्तर की टेबल, आपकी पांचों इंद्रियां गलतियां ढूंढने में लीन होनी चाहिए। दफ्तरों में कई क्लर्क कई बाबू ऐसे होते हैं जिन्हें तब तक खाना नहीं पचता जब तक वो हर फाइल में 5-7 ऑब्जेक्शंस ना लगा लें। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, जब से ये रिटायर हुए हैं इन्हें भूख ही नहीं लगती और बिना काम के थकावट रहती है और सारा दिन चिड़चिड़े से रहते हैं। इन्हें तो 99 के करीब टेम्परेचर भी है। हल्का हल्का बुखार भी इन्हें तब से है जब से ये रिटायर हुए हैं। खैर आप घबराए नहीं, ऐसा करते हैं ये 12 फाइलें हैं, इनमें प्रमोशन के और इंक्रीमेंट के कुछ डमी केसेस हैं। आप ये फाइलें ले जाएं, एक फाइल सुबह एक फाइल शाम को, इन्हें ऑब्जेक्शंस लगाने के लिए दे दिया कीजिए। ऑब्जेक्शंस लगाने के लिए? हाँ हाँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्शंस लगाएंगे लोगों के प्रमोशन केसेस में अड़चने डालेंगे, उनकी गलतियां निकालेंगे, इनकी भूख अपने आप नॉर्मल होती चली जाएगी। है रिश्तों के मामलों में लड़की वालों के नुक्स निकालना लड़के वालों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके अपने लड़के की शक्ल चाहे किसी बूढ़े उल्लू से मिलती हो लेकिन दूसरे की लड़की में 1000 नुक्स निकालिए। लड़की तो हमें पसंद है, घर बार भी अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या बहन जी, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर का कामकाज भली भांति जानती है, आपके सुशील के लिए बहुत अच्छी रहेगी। वो तो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन लड़की के चश्मा लगा हुआ है और सुशील बिना चश्मे वाली लड़की चाहता है, क्यों सुशील जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे बहन जी, लड़की तो फिर भी कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लेगी, आप अपने बेटे का निशाना तो ठीक करवाइए जरा। सास को बहू से शिकायत होनी चाहिए और बहू को सास से। कला से आप चाहे कोसों दूर हो लेकिन आपकी कलाकारी इसी में है कि हर कलाकार को कोसिए। इसी तरह एक महफिल में एक औरत गाना गा रही थी, एक सज्जन अपनी आदत से मजबूर लगे उसे कोसने। क्या बकवास गा रही है यार, ना कोई सुर ना कोई लय, पता नहीं कौन है ये औरत। तो पास एक भाई साहब खड़े थे, वो बोले ये आपको पता नहीं ये मेरी बीवी है। वो एकदम अपनी बात बदलते हुए बोले नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, गा तो फिर भी ठीक रही है लेकिन लिखा बहुत बकवास है, पता नहीं किस बेवकूफ ने लिखा है। वो भाई साहब फिर बोले माफ करना ये मैंने ही लिखा है। ठहरिए मुझे पता चल गया कि आप मुझे भी कोस रहे होंगे कि क्या बकवास उल्टा पुल्टा यार, ये तो चुटकुला ही बहुत पुराना था। ऐसे सभी सज्जनों को जिनके सर पर विदेश जाने का भूत हमेशा सवार रहता है, जसपाल भट्टी का नमस्कार। कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने, लेकिन मेरे हिसाब से दूर के ढोल सुहावने हो ना हो लेकिन दूर के झाड़ू जरूर सुहावने होते हैं। वही लोग जो अपने मुल्क में मेहनत मजदूरी करना हद तक समझते हैं, विदेश में झाड़ू भी लगाना पड़े तो उनके लिए फख्र की बात होती है, लेकिन उनके घर वाले गर्दन अकड़ाकर ये तो कह सकते हैं कि बेटा विदेश से छुट्टी आया है। बस ये रात की ही फ्लाइट से वापस आया है, थका हुआ था, अभी बस 11 बजे ही जागा है। इसे अब तो कई साल हो गए विदेश गए हुए, अब तो अच्छी खासी नौकरी करता होगा। बिल्कुल जी, ये वहाँ पर बहुत बड़ा कमर्शियल आर्टिस्ट है, हजारों रुपया कमाता है, अपनी गाड़ी भी रखी हुई है। गाड़ी पे सीढ़ी भी रखी हुई है। सीढ़ी? यू नो अंकल, वहाँ आर्ट की कदर ही बहुत है। किस किस्म का आर्ट वर्क करते हो बेटे? मेरा वहाँ वॉल पेंटिंग का बहुत बड़ा कारोबार है। वॉल पेंटिंग? जी, मैं घरों में जाकर दीवारों पे रंग रोगन और सफेदियाँ करता हूँ। Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह होगी वहाँ कोई ना कोई राह भी निकलेगी। और विदेश जाने की राह ढूंढने के लिए चाहे आपको अपने से दुगनी उम्र की औरत से भी शादी करवानी पड़े, घबराइए नहीं। कांग्रेचुलेशंस यार, बधाई हो, सुना है तेरी सगाई हो गई, वो भी विदेश में। बस यार भगवान ने सुन ली। वैसे कहते हैं जो दिल से मांगो ना मिलता जरूर। चल तुझे लड़की पसंद तो आई, करती क्या है वो? वहाँ एक कंप्यूटर कंपनी में प्रोग्रामर है, सारी फैमिली वेल सेटल्ड है यार, थोड़ी लड़की की उम्र ज्यादा है। चल तुझे फॉरेन ले जाएगी, उम्र कुछ ज्यादा भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये रिंग उन्होंने पहनाई है? हाँ यार डायमंड की रिंग है। अच्छा, और साथ में 1100 रुपए सगाई पे दिए। और आप लोग क्या दे रहे हैं? हम 2100 रुपए सगाई पे दे रहे हैं। हाँ। और ये एक सेट दे रहे हैं। सेट गोल्ड का या डायमंड का? नहीं यार दांतों का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ अच्छी भली नौकरी होती है, जमीन घर कारोबार होता है, लेकिन विदेश जाने का भूत उनके सर पर ऐसा सवार होता है कि वो ट्रेवल एजेंटों के चक्कर में
अपना घर घाट दुकान सब बेच देते हैं। आपने कहा था 30,000 रुपए का इंतजाम कर लेना, 20 तो आपके पास आ गए। बस मेरी दुकान बिक जाए, बाकी 10 का इंतजाम भी हफ्ते भर में कर दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। बस आप ये बताएं कि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, दुबई या फिर USA? जहां भी नौकरी मिल जाए, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ जी। वैसे तो हमारा धंधा ही अनपढ़ आदमियों के सर पे चलता है जी। जी नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अनपढ़ आदमियों को बाहर सेटल करवाना ही हमारा काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब आप कोई टेक्निकल काम जानते हैं? मैं तो सारी उम्र जलेबियां बनाता रहा हूँ जी। अरे ये तो बड़ा हाईली टेक्निकल काम है, लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, डॉक्टरी की डिग्री होती है, लेकिन नहीं जा सकते बेचारे बाहर। अच्छा इतनी डिमांड है बाहर? अरे मैं तो कहता हूँ कि आप बाकी का 10,000 लेकर तो आए, हम आपकी जलेबियों की दुकान व्हाइट हाउस के बाहर लगवा देंगे। फिर देखना डॉलर ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर। अच्छा फिर तो मैं अभी आया अपनी दुकान बेचकर। गुरु जी ये पैसे ले तो आएगा ना? अगर ले आया ना तो समझो कि टिकट का इंतजाम तो हो गया। किसका है इसका? अरे नहीं भाई मेरा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने आपकी सारी डिमांड्स मान ली हैं। बोनस तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भत्ता और साइकिल अलाउंस भी दिया जाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया, ये मांगे मानने से पहले हम लोगों को 2-4 दिन का मौका दिया जाना चाहिए था। क्या मतलब? पहले हम हड़ताल का नोटिस देंगे, गेट मीटिंग करेंगे, 2-4 दिन हड़ताल करेंगे, फिर आप हमारी मांगे मानिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, वरना हमारे वर्कर सोचेंगे कि हमारे लीडरों में कोई दम ही नहीं है। ऐसे सभी लीडरों को जो अपनी लीडरी कायम रखने के लिए हड़तालें करवाते हैं, जसपाल भट्टी का नमस्कार। कहते हैं कि अपने हक के लिए जरूर लड़ना चाहिए, जुल्म के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आवाज जरूर उठानी चाहिए, चाहे जुल्म हो ना हो, लड़ना जरूर चाहिए चाहे हक हो ना हो। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, इंसाफ के आगे नहीं पड़ेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हॉस्टल की कैंटीन का ठेकेदार हम पे तरह तरह के अत्याचार करता है। समोसे और टिक्कियों में नमक इतना ज्यादा होता है कि खाया नहीं जाता, और ये बात प्रिंसिपल साहब के नोटिस में कई बार लाई जा चुकी है, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आज हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि हम ये जंग लड़ के रहेंगे। आज से हमारी हड़ताल शुरू, स्टूडेंट्स यूनियन। यार ये कोई बात बनी नहीं, स्ट्राइक के लिए कम से कम 3-4 पॉइंट्स तो सॉलिड होने ही चाहिए ना। तो यार तुम हड़ताल शुरू तक करो, अभी पुलिस आएगी, आंसू गैस छोड़ेगी, लाठी चार्ज होगा, बहुत से पॉइंट्स तो अपने आप निकल आएंगे। चुप यार। एक आदमी ट्रैक सूट पहने हुए ग्राउंड में भाग रहा था। मैंने उससे पूछा भाई रोज ऐसे ही भागते हो? बोला जी भागना तो पड़ता ही है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने पूछा किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हो? वो बोला नहीं जी मेरी दिल्ली बदली हो गई है, मैं बसें पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 80 करोड़ की जनता में कितने कम लोग हैं जिनका लक्ष्य वाकई ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी करना, अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। और ये लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गोल्ड मेडल आ गया तो हमारी बनी बनाई शान बिगड़ जाएगी। बल्कि हमें उन खिलाड़ियों को सम्मानित करना चाहिए जो दौड़ में आखिरी नंबर पर आते हैं, हॉकी और फुटबॉल में ज्यादा से ज्यादा गोल करवाते हैं। आप हैं हमारी टीम के महान खिलाड़ी, मशहूर गोलकीपर, कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। 1980 में आपने 8 गोल करवाए, 1981 में 7 गोल और 1982 में 12 गोल। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? बस इसे नेचुरल टैलेंट ही कहिए, यूं कहिए कि खुदा की देन है। लेकिन 1982 में जो आपने 12 गोल करवाए वो कैसे करवाए, जरा ये बताए। एक्चुअली क्या है कि उस वक्त मेरा पांव सो गया था और मैं जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह गया। फिर तो दाद देनी पड़ेगी सिलेक्शन कमेटी की, जिन्होंने इतना रिष्ट पुष्ट खिलाड़ी खोज निकाला। कहाँ जी, ये तो यूं कहिए कि उन्हें घर बैठे बिठाए हीरा मिल गया। घर में ही? सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है ना, मेरे पिताजी तो हैं। हैं? खिलाड़ियों की सिलेक्शन खेल कूद के आधार पर नहीं बल्कि जान पहचान के आधार पर होनी चाहिए। एक अच्छी टीम तभी बन सकती है जब सिलेक्शन कमेटी के हर मेंबर का ध्यान रखा जाए। बड़ी हैरानगी की बात है कि आपको सिलेक्शन कमेटी का एक भी मेंबर नहीं जानता और आप सिलेक्ट होते होते यहाँ फाइनल सिलेक्शन तक आ पहुंचे। ऐसे तो हम आपको अपनी टीम में नहीं रख सकते, कल आप गलती से दूसरी टीम पर 4 गोल कर दें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे अपनी टीम में रखेंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा।
लेकिन टीम के लिए तुम्हारी क्या कंट्रीब्यूशन होगी? सर, मेरे पिताजी कस्टम्स में काम करते हैं और जब आपकी टीम फॉरेन से वापस आएगी तो आपके वीसीआर भी तो क्लियर करवाने होंगे। खिलाड़ियों और प्रबंधकों का लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि विदेश का चक्कर लग जाए और थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाए। रही बात इज्जत की, पैसे की, वो जिसकी किस्मत में हो उसे हारने के बाद भी मिल ही जाता है। सर, मैं एक बैट बनाने वाली कंपनी से आया हूँ और सर ये मेरा कार्ड है। भाई, काफी नाम सुना आपकी कंपनी का। आपकी ही कंपनी है ना जिसने पिछले साल किसी देश के खिलाड़ी को 1,00,000 रुपए सिर्फ इसलिए दिया था कि वो आपकी कंपनी के बनाए हुए बैट से खेलता है? बिल्कुल जी, अगर कोई इतना अच्छा खिलाड़ी हमारी कंपनी के बनाए हुए बैट से खेलता है तो कितना नाम होता है हमारी कंपनी का। और आपके सेल्स भी प्रमोट होते हैं। सर, इसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। हम आपको 2,00,000 रुपए देने को तैयार हैं। 2,00,000 रुपए और मुझे? लेकिन भैया, मैंने तो पिछले कई सालों से कोई रन ही नहीं बनाया और वैसे भी हमारी टीम आखिरी नंबर पर है। सर, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप 2,00,000 ले लें लेकिन हमारी कंपनी के बनाए हुए बैट से खेलना छोड़ दें। आइए आइए प्रोफेसर साहब, क्या हाल चाल है? कैसे चल रहा है आपका नया स्कूटर? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सेट है, 50 की एवरेज दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब अभी गाड़ी को हमारे हाथ लगे नहीं? क्या? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि गाड़ी की एवरेज अच्छी है। हाँ बिल्कुल अच्छी है, और वैसे भी ये गाड़ी हाफ किक में स्टार्ट होती है, लेकिन आज सुबह 2-3 किक लगानी पड़ गई और मैंने सोचा चलो जाकर प्लग ही साफ करवा लें। ओ, प्लग की कौन सी बात है जी, अभी करवा देते हैं। और छोटे, हाँ जी, खोल दे जरा प्लग। ओ मिस्त्री जी, नई गाड़ी है, आप जरा खुद साफ करना। आप फिक्र ना करो जनाब, ऐसा प्लग साफ करेंगे कि रोज प्लग साफ करवाने आ करोगे। अच्छा है? अरे बेवकूफ, तोड़ दिया प्लग, तुझे प्लग भी खोलना नहीं आता। और मिस्त्री जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्लग आप खुद साफ करना, मुझे नहीं पता आप नया प्लग लगा के दो इसमें। जनाब, ये प्लग तो पहले ही टूटा हुआ था। ये अच्छा हो गया ये यहीं पे टूटा, अगर कहीं इधर उधर टूटा होता तो आपको फजूल गाड़ी यहाँ तक सीट कर लानी पड़ती। और यार तू जल्दी कर, मुझे पहले ही बड़ी देर हो रही है। मैंने देखा जी, बंदे को एक आध प्लग ना स्कूटर में स्पेयर रखना चाहिए, इन चीजों का कोई भरोसा नहीं होता, बाद में स्कूटर तो तंग होता होता, बंदा भी तंग होता। पर मैंने देखा है कि प्लग को अगर महीने में एक बार भी साफ करवा लो तो प्लग का कुछ नहीं बिगड़ता। अरे अरे अरे, ये तो कभी आधी किक से ज्यादा खाता ही नहीं। प्रोफेसर साहब, ऐसे स्कूटर का क्या फायदा जो 15-20 किकों से पहले स्टार्ट हो जाए? कम से कम अड़ोसी पड़ोसियों को पता तो लगना चाहिए कि आपके पास स्कूटर है। आप मेरे स्कूटर का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो आपके पड़ोसियों का मजाक उड़ा रहा था। और छोटे, और कार्बोरेटर खोल के देख यार, वैसे ही ना किके मारता जा। अच्छा जी। उस्ताद जी, इसका तो जेट ही खराब है। वो बदल ले फिर, देखता क्या है? यार आप कमाल कर रहे हैं, वो गाड़ी के नुक्स ही निकालते जा रहे हैं। जनाब, नई गाड़ी के नुक्स निकालना कौन सा आसान काम है, पुरानी गाड़ी के नुक्स तो सभी निकाल लेते हैं। ओ छोटे, ओ यार इग्निशन कॉइल चेक कर ले, देख ले करंट भी आ रहा है या नहीं। अच्छा उस्ताद जी। प्रोफेसर साहब, गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ लगता है। ओ मैं तो इस पर मक्खी नहीं बैठने देता, तुम एक्सीडेंट की बात कर रहे हो ना। हो, गाड़ी कहीं टकराई है जी, इसका चिमटा टेढ़ा। और चिमटा मैं फिर ठीक करवा लूंगा, तुम गाड़ी स्टार्ट करवाओ और मैं जाऊं। ठीक है जी, गाड़ी तो अभी 2 मिनट में स्टार्ट लो, लेकिन मेरे ख्याल से बंदे को ये चिमटा जरूर सीधा करवा लेना चाहिए। वो बेकरी वाले का पप्पू था ना, उसका भी चिमटा टेढ़ा था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 3 महीने से अस्पताल में पड़ा। अच्छा, तो फिर कितनी देर का काम है? वो जी आधे घंटे घंटे में गाड़ी तैयार समझो, आपको कोई छोटा मोटा काम है तो आप हुआ ही है। हाँ मुझे बैंक में थोड़ा काम है। अच्छा मैं होकर के आता हूँ। देखो भाई, तुम जरा खुद ध्यान से गाड़ी ठीक करना है। वाह, फिक्र ना करो जनाब। हाँ जी मिस्त्री जी, कहाँ गया मेरा स्कूटर? अच्छा अच्छा, कोई ट्राई लेने गया है। कमाल है प्रोफेसर साहब, आप अपने स्कूटर को नहीं पहचानते, आपके सामने पड़ा है। ये मेरा स्कूटर है? आपने तो इसे सारा ही खोल दिया, वो भी मुझे पूछे बिना। जनाब इसमें तो नुक्स ही बहुत थे, एक एक पुर्जे में दो दो तीन तीन चार चार नुक्स, हमने सोचा अब खोला ही है तो इसे ओवरऑल भी करवा दिया जाए। खबरदार, मेरे स्कूटर को अगर और खोलने की कोशिश की तो मैं कहता हूँ हाथ नहीं लगाना इसे, मैं अपने आप ठीक करवा लूंगा कहीं से भी। ठीक है करवा लेना। छोटे रख दे स्कूटर को, इकट्ठा करके जरा रिक्शे पे। अच्छा जी, और रिक्शा।
ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगा और तुम्हें अंदर भी करवा दूंगा। और ठीक है ये लोग अपना हैंडल और ये पकड़ो अपनी लाइटें। ठीक है, और चल भी रिक्शे वाले सीधा थाने। जनाब ऐसे तो नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकता मैं? पहले आप 135 रुपए निकालिए। 135 रुपए? वो किस चीज के? ये स्कूटर खोलने की मेहनत मजदूरी और क्या। दोस्तों वफादार सरकारी नौकर वही है जो सरकारी वक्त को अपना वक्त समझे, यानी कि सरकारी टाइम में अपना निजी काम धंधा करे। माना कि नौकरी के साथ साथ खुलेआम अपने नाम पे काम धंधा करना मुमकिन नहीं, लेकिन तो क्या, अपनी बीवी या बच्चों के नाम पे तो कोई बिजनेस शुरू किया ही जा सकता है। और शुरू शुरू में आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के चक्कर में अगर दो चार बार सस्पेंड भी होना पड़ जाए तो चूके नहीं। सर ये अपने मिश्रा जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। ये अपने ही गांव के हैं सर। हाँ हाँ मैं जानता हूँ इन्हें, इन्होंने इलेक्शंस में बड़ा काम किया है। सर एक छोटा सा काम है इनका, बस आप ही ने करवाना है सर। हाँ हाँ बोलो भाई। सर ये अपने डिपार्टमेंट से कुछ देर के लिए सस्पेंड होना चाहते हैं। क्या कहा, किसे सस्पेंड करवाना है? नहीं सर ये खुद सस्पेंड होना चाहते हैं। खुद सस्पेंड होना चाहते हैं? हाँ सर। भाई दिमाग तो सही है ना आप लोगों का, मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही। सर दरअसल बात यह है कि मैं अपने एक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस खोलना चाहता हूँ और मैंने अपनी बीवी के नाम पे एजेंसी भी ले ली है सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि दफ्तर से इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, छुट्टी के लिए सिफारिश दिलवानी है तो ऐसा बोलो ना भाई। नहीं सर आप समझे नहीं, मैं सस्पेंड होना चाहता हूँ सर। तो मैं क्या करूँ? सर आप मेरे चेयरमैन से कहकर मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड करवा दीजिए, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओह अजीब आदमी हो भाई, सिफारिश दिलवानी है तो किसी अच्छे काम के लिए डलवाओ। सर इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है, एक तो मुझे आधी तनख्वाह मिलती रहेगी, दूसरा मेरा बिजनेस भी चलता रहेगा और सर बाद में रीइंस्टेट तो हो ही जाऊंगा आपकी दया से। क्या समझदार डॉक्टर वही है जो नौकरी के साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखे ताकि उन सभी मरीजों को इत्मीनान से देख सके जिनके लिए अस्पताल में उसे कोई टाइम नहीं। मान लो आप अध्यापक हैं, क्लास में आपको विद्यार्थियों से माथा मारने की कोई जरूरत नहीं, क्लास में आराम करिए, शाम को घर पे ट्यूशन पढ़ाइए, नोट कमाइए। डॉक्टर हो या अध्यापक, कैमरामैन हो या एडिटर, मेरी तो एक ही सलाह है सभी के लिए, दफ्तर का काम आप करें ना करें आपके साइड बिजनेस को कोई घाटा नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सरकारी नौकरी को अपनी हॉबी और तनख्वाह को सिर्फ अपनी पेंशन समझिए। लाइब्रेरी का मकसद ये होता है कि विद्यार्थियों को सारी किताबें मोल ना लेनी पड़े, जो जो किताब उन्हें चाहिए इश्यू करवाएं, पढ़ें, पढ़कर वापस कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से फिजूल इतनी किताबों का भार उठाने का क्या फायदा, जो एक दो पन्ने आपके काम के हैं उन्हें फाड़िए, जेब में डालिए लाइब्रेरी से बाहर, ताकि बाकी की किताब किसी और के काम आ सके। यार अगर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब मिल जाए तो मैं सारा सेमेस्टर उसे वापस ना करूं। वापस नहीं करेगा ना तो 15-20 रुपया फाइन लग जाएगा। फाइन 15-20 रुपए लगेगा ना, वहाँ बाजार में किताब 80 रुपए की है। फिर तो उसे कोई ना कोई इश्यू करवा के ले गया होगा। अरे मिल गई यार, इसे कहते हैं किस्मत, अब ना मैंने वापस किया इसे। अरे अरे यार इसमें तो ये 60-90 तक पेज ही गायब है। चलिए किसी और से नोट कर लेना यार। नहीं यार यही 30 पेज तो हमारे सिलेबस में है। शुक्र है सारी किताब सिलेबस में नहीं है। क्या मतलब, वरना सारी की सारी किताब गायब होती। हाँ हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो लाइब्रेरी की किताब से पन्ने गायब करना किताब की बेइज्जती समझते हैं। उनका विचार ये होता है, उनका मतलब ये होता है कि अगर गायब करना ही है तो किताब गायब की जाए। ओफो मास्टर जी ये क्या कर दिया आपने, आपसे कितनी बार कहा था कि अंदर वाली जेब बड़ी लगाना, आपने फिर इतनी छोटी लगा दी है। जेब तो काफी बड़ी है, आप जरा हाथ डालकर तो देखिए। मास्टर जी मैंने स्पेशली आपको साइज लिखवाया था कि जेब की चौड़ाई 8 इंच और लंबाई कम से कम 10 इंच होनी चाहिए, और वो आधा मीटर कपड़ा भी आपको फालतू दिया था। इतनी बड़ी जेब वो भी अंदर वाली। ओफो मास्टर जी अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप ऐसा करो ये किताब रख लो, जेब ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इस साइज की किताब आसानी से आ जाए, लेकिन कोट के बटन बंद करने पे बाहर से नजर नहीं आनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस लाइब्रेरी का मैं मेंबर हूं ना उसकी ज्यादातर किताबें इसी साइज की हैं। लाइब्रेरी की किताब पढ़ते पढ़ते पेन पेंसिल से निशानियां लगा देना, तरह तरह के डिजाइन बना देना, हर पन्ने पे अपने कॉमेंट्स लिख देना,
एक सुलझे हुए पाठक की निशानियां हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किताब लाइब्रेरी की है उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करें, उसे इस ढंग से पढ़ें कि वो बाद में और किसी के पढ़ने के काबिल न रहे। बेटी, कोई खास किताब ढूंढ रही हो क्या? यस सर। सर यहाँ एक प्रेमचंद की कहानियों की किताब थी सर, मैं कल ही वापस करके गई थी सर। बेटी, प्रेमचंद के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसने जो भी लिखा है कमाल का लिखा है और इतना नियर टू रियलिटी है कि बस पूछो मत। वो किताब बहुत अच्छी है, जरूर किसी और ने इश्यू करवा ली होगी। लेकिन सर मेरी मम्मी ने कहा है कि अगर वो किताब तुम्हें शाम तक भी ना मिले तो उसे ढूंढते रहना बस। धन्य है आपकी मम्मी जिन्हें इतने अच्छे लिटरेचर का शौक है। बेटी, मेरे पास उस किताब की एक पर्सनल कॉपी है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वही दे देता हूँ। ओफो सर, वो तो ठीक है, लेकिन वो दूध वाले का क्या होगा? प्रेमचंद का दूध वाले से क्या संबंध? सर आप समझते नहीं, उसके आखिरी पन्नों पे मेरी मम्मी ने दूध वाले का हिसाब जो लिखा था। अगर आप बीमा अफसर और सर्वेयर को किसी ढंग से पटा लें तो आप छोटे से छोटे एक्सीडेंट का भी भारी क्लेम ले सकते हैं। 10,000 के नुकसान को 20,000 का नुकसान सिद्ध कर देना ये बीमा अफसर और सर्वेयर की ही करामात मानी जाती है। कानी कानी जनाब, आप हुक्म करें, आपकी गाड़ी का 20,000 तो दिलवा ही देंगे, आप सिर्फ ये याद करके बता दें कि एक्सीडेंट की डेट क्या थी। मिस्टर खुराना। यस सर। वो तो एक माइनर एक्सीडेंट था, कुत्ते से गाड़ी टकराई थी, उससे तो बम्पर भी अच्छी तरह नहीं टूटा। कहानी कोई नहीं जनाब, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है ना, और फिर माइनर को मेजर बनाना तो हमारा काम है, आप हमारे फोटोग्राफर को नहीं जानते। अच्छा। यस सर। मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी? कहानी कोई नहीं जनाब, सारा कुछ हम खुद कर लेंगे, आखिर आपकी पर्सनल गाड़ी है, 2 दिन में चेक आपके हाथ में होगा। बड़ी क्विक सर्विस है आपकी। सर तभी तो कहता हूँ कि आप अपनी कारपोरेशन की सारी गाड़ियों की इंश्योरेंस हमारी कंपनी से करवाएं, यानी हमारा भी कुछ थोड़ा। हाँ, वो तो हम करवा ही लेंगे, हमारी 100 के करीब गाड़ियां हैं, कुछ यहाँ है कुछ फील्ड में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा कि 6 महीने में आपका एक और एक्सीडेंट करवा दूं। क्या मतलब? कहानी कोई नहीं जनाब, मेरा मतलब है आपको एक और क्लेम दिलवा दूं बिना एक्सीडेंट के। कहानी कोई नहीं जनाब, आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, हमने तो कई ऐसे दोस्तों को क्लेम दिलवाया जिनके पास गाड़ी ही नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो कई बार आपको महसूस होगा कि फैक्ट्री को चलाने में इतना फायदा नहीं जितना कि उसको जला देने में। तो अब हमें चाहिए रॉ मटेरियल, 20 किलो के करीब पुरानी रबड़, 30 किलो के करीब पुरानी बोरियां और 15 किलो के करीब कागज की रद्दी। सर कहीं से अगर पुराना स्क्रैप टूटी फूटी मशीनरी मिल जाए तो बेहतर है। उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। डैडी, ये कोई नया फॉर्मूला है साइकिल के पार्ट्स बनाने का? बेटे, अभी तुझे मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। सर अगर आपकी बात इंश्योरेंस वालों से पक्की हो गई है तो मैं मिट्टी के तेल का इंतजाम करूं? वो मैं कर लूंगा, लेकिन आपने ये वर्कआउट किया है कि कुल कितना खर्चा आएगा फैक्ट्री को आग लगाने में? जी हाँ, 1,00,000 रुपए का खर्चा और 3,00,000 प्रॉफिट। लेकिन खर्चा कुछ ज्यादा नहीं? सर 70,000-72,000 रुपए तो इंश्योरेंस का क्लेम लेने में लग जाएंगे, फिर ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। डैडी, ये फॉर्मूला तो बिजनेस मैनेजमेंट की किताब में है ही नहीं। जब से तू MBA करके आया है तेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है। बेटे, ये फार्मूले किताबों में नहीं होते। जब से पशुओं की इंश्योरेंस की नई स्कीमें आई हैं, झूठे क्लेम लेने और देने वालों के धंधे को और भी 4 चांद लग गए हैं। इसलिए आप गाय भैंस खरीदे ना खरीदें, लेकिन बैंक से लोन जरूर ले लें। भेड़ बकरियां रखें ना रखें, लेकिन उनकी इंश्योरेंस जरूर करवा लें। क्या हाल है तुम्हारी नई भैंस का रामू काका? बहुत बढ़िया है बिहारी बाबू, जब से ही आई है हमार दिन ही फिर गवा है, हर रोज 200-300 की आमदन हो जात है। अच्छा, कितना दूध देत है? दूध दूध तो ही देती नहीं। दूध नहीं देत तो का डायरेक्ट आइसक्रीम देत है? अरे भैया, इसकी तो डिमांड ही बहुत है, हर रोज कोई ना कोई किराए पर ले जाता है इको। किराए पे? तो काई शादियों में बैंड के साथ डांस करत है? अरे नहीं बचुआ, लोग ही को किराए पर ले जाते हैं, इंस्पेक्शन करवाई के इंश्योरेंस करवाई दे है इकी। फिर का बाद में भैंस को कागजों में मरा साबित करके झूठा क्लेम खुद ले जाते हैं
और भैंस हमें वापिस कर देते हैं। अरे वाह भैया, आमदन की आमदन और ऊपर से भैंस अमर शहीद। एक औरत की प्याज काटते हुए उंगली कट गई। उसने सर्वेयर से मिल मिलाकर कंपनी से 20 लाख का क्लेम ले लिया। बात कंपनी के बड़े अफसरों तक पहुंची। उन्होंने सर्वेयर से पूछा, भाई आपने उस औरत की उंगली की कीमत 20 लाख कैसे बना दी? तो उसने कहा, जी आप उसके पति को नहीं जानते, वो 20 लाख की जायदाद का मालिक है। तो उन्होंने पूछा, भाई इससे उसकी उंगली का क्या संबंध? तो बोला, जी इसी उंगली पे तो वो अपने पति को नचाती थी।